Hi friends, welcome back to your own channel Chakti with Knowledge. This is interview chapter 5 and today's topic is the bank rate, CRR and SLR. In the chapter 4 we already discussed two important topics, repo rate and reverse repo rate, their implications. Friends, I want to repeat that bank rate, CRR, SLR are also important for the written exam, interview, GD and RBI descriptive exam. Let's begin with the bank rate. So first question is, what is bank rate? Bank rate hai kya? Bank rate is the rate of interest which a central bank charges on the loan and advances to banks. Yani ki RBI jo banks ko udhar deta hai, us par jo interest charge karta hai, usi ko bank rate bolte hain. बैंक रेट का एक और नाम है डिस्काउंट रेट, यानी कि बैंक रेट और डिस्काउंट रेट एक ही बात है. ऐसा आरबीआई करता क्यों है भाई? टू कंट्रोल द मनी सप्लाई. जो मनी है बैंक्स के पास उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट का एज ए टूल आरबीआई यूज करता है. दोस्तों, आपके दिमाग में जरूर ये बात आ रही होगी कि मैंने जब रेपो रेट बताया था तब भी यही बताया था और अभी जब बैंक रेट बताया तब भी यही बताया कि आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है और जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर रहा है, वही रेट बैंक रेट है. यही मैंने रेपो रेट का भी बताया था. दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने सही बताया था, आज भी मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट के बीच. क्या डिफरेंस है, लेट्स स्टार्ट. होता क्या है दोस्तों, बैंक रेट के केस में आरबीआई को जब बैंक उधार ले रहा है उससे, तो कोई भी सिक्योरिटी या कोलेटरल आरबीआई के पास प्लेस नहीं कर रहा है. बैंक रेट के केस में कुछ भी कोलेटरल नहीं देता वो. जब कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल बैंक आरबीआई को दे ही नहीं रहा है, तो फिर उस सिक्योरिटी को या कोलेटरल को वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता. इसका मतलब कोई भी रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट भी बैंक को आरबीआई से साइन करने की जरूरत ही नहीं है बैंक रेट के केस में. लेकिन रेपो रेट के केस में क्या होता है, वो सिक्योरिटीज को कोलेटरल को प्लेस करता है, उसके बाद आरबीआई उसको उधार देती है बैंक्स को. और वहां पर एक प्रॉमिस रहता है कि जो बैंक्स हैं वो जो सिक्योरिटी है उसको वापस लेंगी और पैसा आरबीआई को अदा करेंगी. सो फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देयर इज नो सिक्योरिटी सोल्ड और कोलेटरल इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ बैंक रेट. एज देयर इज नो सिक्योरिटी और कोलेटरल, सो देयर इज नो रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट आल्सो बिटवीन द बैंक एंड आरबीआई इन केस ऑफ बैंक रेट. बट इन केस ऑफ रेपो रेट देयर इज अ सिक्योरिटी एंड कोलेटरल एंड आल्सो अ रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द आरबीआई. So this is the difference between the repo rate and bank rate. अब banks करते क्या हैं? Banks bank rate पर जब RBI से उधार ले रहे हैं, उसी पैसे को वो क्या करेंगे? Customers को आगे loan दे देंगे. लेकिन loan जो देंगे वो bank rate से थोड़ा ज़्यादा rate of interest पे देंगे. उससे बैंकों को क्या होगा? बैंकों को फायदा होगा. क्या होगा? फायदा होगा. यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा है बैंक रेट इज यूजुअली हायर देन द रेपो रेट. ओके, इसको क्लोज करते हैं. बैंक रेट इज, इसको भी क्लोज करते हैं. सो बैंक रेट इज यूजुअली हायर देन द रेपो रेट. दोस्तों, बैंक रेट के केस में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कोलेटरल नहीं है, लेकिन रेपो रेट के केस में सिक्योरिटी है, कोलेटरल है. तो बैंक रेट जो है वो नॉर्मली हायर होता है रेपो रेट से. जैसे आप पर्सनल लोन लेते हैं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं बैंक को, तो वो मेगा लोन होता है. लेकिन जब आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, अपना घर गिरवी रख रहे हैं, गिरवी इन द सेंस वो बैंक को दे रहे हैं और उसको एग्रीमेंट है कि वो जब आप लोन चुका देंगे तो वो घर आपका हो जाएगा, तो उस केस में आपके पास कोलेटरल भी है और रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट भी है बैंक के साथ. सेम यहां होता है आरबीआई के साथ, क्योंकि बैंक रेट के केस में कुछ भी कोलेटरल नहीं है, तो ये बैंक रेट है वो क्लीन है, रेपो रेट है वो सिक्योर्ड है. हालांकि बैंक के केसेस में बैंक पता करेंगे, लेकिन क्योंकि कुछ सिक्योरिटी है यहाँ पर, बस ऐसे कह सकते हैं, तो बैंक रेट हायर होता है रेपो रेट से.
ओके, एक बार पढ़ लीजिए, शुरू करते हैं अगला। ओके, सो सीआरआर, व्हाट इज सीआरआर? सीआरआर है क्या? कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इज द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? दिस इज द मिनिमम पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। देखिए ये क्या है, पार्ट, और यू कैन से द परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ फंड्स दैट द बैंक हैव टू कीप विद आरबीआई। बैंक को क्या करना है, आरबीआई के साथ रखना है, एज रिजर्व्स, रिजर्व्स के रूप में, आदर इन कैश और एज डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। तो बैंक्स का जो टोटल डिपॉजिट है, जो एक्चुअली आपका डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट और द टर्म डिपॉजिट, उसका एक सर्टेन परसेंटेज बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ेगा। आरबीआई के पास रिजर्व्स के रूप में रखना पड़ेगा, उस जितना परसेंटेज वो आरबीआई के पास रखता है डिपॉजिट्स का, उस रेट को, जितना रेट उसे रखना होता है, उस रेट को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ता है तो क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब उन्हें डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा, क्योंकि परसेंटेज सपोज करो 4% फिक्स है, तो उसको ज्यादा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। जब ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा तो उनके पास पैसा थोड़ा कम हो जाएगा। सो द अवेलेबल अमाउंट विद द बैंक कम्स डाउन इन केस ऑफ इंक्रीज। आरबीआई यूजिंग दिस मेथड इंक्रीज ऑफ सीआरआर रेट टू ड्रेन आउट द एक्सेसिव मनी फ्रॉम द बैंक, जो बैंक के पास एक्सेस मनी है उसको ड्रेन करने के लिए, उसको वापस लेने के लिए, जिससे उनके पास पैसा कम हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंक क्या करते हैं, करंट अकाउंट में आरबीआई के पास पैसा रख देते हैं, अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रख देते हैं करंट डिपॉजिट में। तो दोस्तों बैंक को कोई भी ब्याज उस पर नहीं मिलता है। जैसे आप अगर करंट अकाउंट बैंक के साथ खोलेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं करंट अकाउंट बोल रहा हूँ, सेविंग अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जब बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलता है तो उस पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देते। उसी तरह इस सीआरआर के केस में, क्योंकि ये पैसा करंट अकाउंट में रहता है आरबीआई के पास, तो बैंक को कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। इसका मतलब सीआरआर बढ़ने का मतलब है बैंक को नुकसान, ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा और इंटरेस्ट कुछ मिलेगा नहीं। एसएलआर, एसएलआर क्या है? स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म। ये क्या है, फुल फॉर्म है। तो इसमें, इस केस में क्या होता है, इस केस में भी ये दोस्तों जो आपका डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो आरबीआई के पास रहना रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती हैं, जो सर्टेन परसेंटेज रख रहे हैं वो एसएलआर होता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, यहाँ पे इन्वेस्ट। ओके, सो बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स इन, इन दो बार है, ओके इसको इग्नोर करिए, द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दिस परसेंटेज इज नोन एज एसएलआर, यानी कि डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज जो कि आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज है या गोल्ड है उसके रूप में रखा गया है, उसको एसएलआर बोलते हैं। अब सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंस होगा, सीआरआर भी यही था, एसएलआर भी यही था। देखिए दोस्तों वहां करेंट अकाउंट में रखे हैं, कैश के रूप में रखे हैं, यहाँ गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी इंक्लूड है, और यहाँ पर क्या होगा, ये इन्वेस्टमेंट की तरह है, वहां पे आप करंट अकाउंट में प्लेस कर रहे हैं। तो सीआरआर के केस में क्योंकि आपको कोई भी इंटरेस्ट बैंक को नहीं दे रहा है आरबीआई, लेकिन यहाँ क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में हो रहा है, सिक्योरिटीज में हो रहा है, तो यहाँ पे बैंक कैन अर्न, यहाँ पे बैंक को इनकम होगी इंटरेस्ट की जो वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पर। यानी कि एसएलआर केस जो है वो रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है उसमें बैंक को अगर हम सीआरआर से कंपेयर करें तो कुछ फायदा है, वहां तो कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ पर बैंक को इंटरेस्ट अर्निंग हो सकती है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एसएलआर रेट इज डिटरमाइंड एंड मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। ये तो सभी केसेज में होता है, मैंने हर जगह लिखा नहीं है, लेकिन जो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर, ये सभी कुछ है वो आपका सेंट्रल बैंक मॉनिटर करता है, यानी कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों करता है, वही क्रेडिट कंट्रोल करना है उसको, मनी को ऑब्जर्व करना है। एस एल आर इज डिटरमाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड परसेंटेज ऑफ टाइम लाइबिलिटीज। ओके,
पहले मैंने टोटल डिपॉजिट बोला था और यहाँ पर मैंने बोला है टोटल डिमांड एंड परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड परसेंटेज ऑफ टोटल टाइम लाइबिलिटीज। दोस्तों यही डिपॉजिट है, यही टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी मीन्स टोटल डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होते हैं? जो सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, जिसमें आप तुरंत डिमांड करते हैं, आपको तुरंत पैसा मिलता है, वो डिमांड डिपॉजिट है। यानी कि आपका बचत खाता और आपका करेंट खाता, ओके। लेकिन टाइम लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जैसे आपने एफडी किया है, फिक्स डिपॉजिट किया है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो टाइम लाइबिलिटीज है। यहाँ लाइबिलिटीज वर्ड यूज किया गया है क्योंकि बैंक के पास आपका पैसा है, इसका मतलब बैंक आपका कर्जदार है। अगर आपका डिपॉजिट बैंक के पास है तो आप बैंक को कर्जा दिया है, एक्चुअल में वो आपका डिपॉजिट है बट वो बैंक के लिए कर्जा है, इसलिए ये लाइबिलिटीज कहलाता है। यहाँ पे आप डिमांड समझ गए होंगे, डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, यानी कि आपका टोटल डिपॉजिट उसका एक सर्टेन परसेंटेज कहाँ रखना है, सिक्योरिटीज में, गोल्ड में, किसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं, एक जो परसेंटेज रखना है उसको बोलते हैं SLR। मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा, SLR इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। वही अगर पैसा ऑब्जर्व होगा, ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बैंक के पास पैसा कम, पैसा कम तो पब्लिक के पास पैसा कम, पब्लिक के पास पैसा कम तो कंट्रोल होगा इन्फ्लेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। सिंपल, बैंक के पास कितना पैसा है, अगर इस SLR से मॉनिटर हो रहा है तो एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट भी इससे मॉनिटर होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ भी, कोई भी क्लियर कट SLR का रेट या बैंक रेट ये सब मेंशन नहीं किया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि ये सब रेट चेंजेबल हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी भी रिटेन, इंटरव्यू, GD या RBI डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम से पहले जब भी जाएं तो एक बार सारे रेट्स को पढ़ लें, ओके। उम्मीद करता हूं कि अभी आपको सारा कुछ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, बैंक रेट क्लियर हो गए होंगे। जो हमने जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है वो पिछले वीडियो में, बाकी इस वीडियो में डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और ये यूजफुल है। मैं आपसे चाहता हूँ हिटिंग लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मी ऑन द फेसबुक। माई ग्रुप नेम इज चकदीप इन नॉलेज। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो नाउ चेक द बैंकिंग एग्जाम्स विद द नॉलेज ऑफ बैंकिंग। दोस्तों एक लास्ट आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपको बैंक्स के कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, स्पेशली इंटरव्यू के लिए, GD के लिए बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है, बैंक की जो स्कीम्स हैं, कृपया कमेंट्स करके या मैसेज करके या मेरे ग्रुप में पोस्ट करके मुझे बताएं कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसी पे वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, चक दे, गुड नाइट, बाय बाय।